अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं और अम्मी और अब्दुल्लाह भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अम्मी आटा गूंद रही हैं, तो स्पेशल वाला आटा गूंदा जा रहा है। अम्मी आज आप क्या बना रहे हैं? बेसन वाली रोटी, मिस्सी रोटी हम सराइके में तो बोलते हैं, ऐसे मसाले वाली भी क्या दे सकते हो। हाँ जी, बेसन और आटा। अच्छा, सब कुछ आटा और बेसन मिक्स करके गूंदा जा रहा है, तो आधा आटा और आधा बेसन है ना, ऐसे ही है ना अम्मी? हाँ जी, ठीक है जी। ये छान ले, आटा पहले छान लिया और उसके बाद अम्मी बेसन छान रही हैं। तो ये हम तो इसको सराइकी हम लोग हैं, हम लोग तो इसको कहते हैं कि मिस्सी रोटी बना रहे हैं। तो उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहा जाता है, मसाले वाली रोटी भी कहा जा सकता है, बेसन की रोटी भी कहा जा सकता है। इसमें जो है वो चीज़ें भी डाली जाएंगी, प्याज और हरी मिर्च और मेथी, जो ताज़ा मेथी होती है ना फ्रेश, उसके पत्ते तोड़ने के बाद उसको थोड़ा बहुत काटा है, वो भी इस आटे में इस्तेमाल होगा। ये है प्याज। हाँ जी, प्याज को हमने इस तरह काटा जैसे वो ऑमलेट बनाने के लिए काटते हैं ना, बारीक बारीक। और ये है हरी मिर्च। हाँ जी, हरी मिर्ची को डाल सक डाल दी है। इसके बाद यहाँ पे जो मेथी हम लोगों ने धो के रखी हुई है वो भी यहाँ पे डालेंगे। ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ज्यादा तो नहीं। चलो इतने रख। हाँ जी जी बेटा। उसके बाद यहाँ पे डाला जा रहा है नमक, जितना हाँ वो तो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं ना, जैसे कोई ज़्यादा पसंद करता है, कोई हल्का पसंद करता है। अब इनको मिक्स करके ना फिर जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही डालेंगे हम आटा। बस नॉर्मली गूंदना है, ना बहुत आपने नरम करना है ना बहुत आपने सख्त करना है, नॉर्मल तरीके से जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही गूंदा जाएगा। और आटे को फिर हम गूंदने के बाद ना इसको थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये ज़रा सेट हो जाए। बस ये देखें, ये अब हमारा आटा जो है बस तैयार है। अब हम इसको गूंद के थोड़ी देर रख देते हैं, और उससे पहले फिर हम बना लेते हैं लस्सी, जो कि हम दही के साथ बनाएंगे। अच्छा, ये जो मिस्सी रोटी होती है ना, इसके साथ लस्सी बनाई जाती है, लस्सी के साथ ये खाना मतलब लस्सी के साथ ही खाई जाती है। तो अगर आप खाना चाहें तो खाली दही के साथ भी खा सकते हैं, चटनी, हाँ चटनी बना के भी खा सकते हैं, या सिंपल दही के साथ भी खा सकते हैं और लस्सी के साथ भी खा सकते हैं। तो हमने ये देखें, हमने ली है दही, इसको हम लस्सी बना रहे हैं। अब लस्सी तो कहीं से मिलती नहीं है, घर के पास कोई मतलब वैसा घर नहीं है जहाँ से लस्सी शस्सी मिल जाए, तो हमने दही से हम खुद ही बना रहे हैं। ये देखें, ये होता है झगड़ा, इसको तो हम तो यही कहते हैं लस्सी बनाने वाला। तो इससे अभी हम बनाने लगे हैं लस्सी। आटा हमने गूंद के रख दिया है, जब तक जो है ना आटा थोड़ा सा सेट हो जाएगा, उसको थोड़ी देर रख दिया है ना, जब तक हम लस्सी बना लेते हैं। अच्छा, लस्सी इसको इस तरह से बनाई जाती है। ग्राइंडर जो है ना उसमें भी आप बना सकते हैं, वो हमारी खराब हो पड़ी है ना, हमारी जो मशीन है ना ब्लेंडर मशीन खराब हुई पड़ी है, इसलिए फिर आज इससे गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। एक गिलास जितना डाल दो ना, काफी है। थोड़ा और डालेंगे, चलो अभी काफी है, इसमें हल तो हो जाएगा ना। नमक भी डाल सकते हैं। हाँ जी, हल्का सा नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा ना। बस अब फ्रेश हो गई है। अब लस्सी हमारी ये देखें तैयार हो गई है, कितनी झाग बन रही है। अभी रोटी पकाते हैं, इस लस्सी को हम रख देते हैं। लस्सी हमारी तैयार हो गई है, तो मैंने और अम्मी ने कहा थोड़ा सा ना चख के भी देखते हैं कि कैसी बनी है जायका। बहुत खट्टी है। सही है,
अच्छा है ना कि खट्टी दही हो ना, उससे सही बनती है ना। अगर मीठी दही होती तो फिर लस्सी मजे की ना बनती। फ्रंट कैमरा है, आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि उल्टे हाथ से पी रही हूँ। चलें जी, रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी है। तो साथ मैंने खुश्का रख लिया था, उसके साथ इसको मैं बेलन पे बड़ा कर रही हूँ। तो ज़्यादा अगर मैं पतली इसको करती थी ना तो वो टूट जाती थी या तो फिर बेलन के साथ चिपक जाती थी, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से बड़ा करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम मैंने तो बनाई है, पहले अम्मी बनाती थी हमेशा से, लेकिन मैंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम ही बनाई है। तो बिल्कुल जो गोल बनती है ना वो वैसी नहीं बनी, शेप जो है ना कहीं से टेढ़ी मेढ़ी होती रही। लेकिन ये है कि हाँ चलो ये शुक्र है कि बन गई। मतलब वो जैसे मकई की रोटी होती है ना, बहुत ही मुश्किल, और वो तो बार बार रोटी वो टूट जाती है। तो उस हिसाब से तो ये फिर भी बेहतर है, मतलब सही बन गई। हाँ इसका वो गुलाई का वो होता है मसला, गोल रोटी नहीं बनती। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, और बेलन पे आसानी से बड़ी भी हो रही थी, और आराम से मैंने उसको ना उठा के तवे पे भी डालती थी तो सही डाली जा रही थी। और एक रोटी हो गई थी मेरे से ख़राब, जो जब मैंने उसको बड़ा करने की कोशिश की तो वो चिपक ही गई बेलन के साथ, है ना। उसको मैंने ज़्यादा बारीक पतला करने की कोशिश की ना, तो इस कोशिश में वो बेचारी टूट फूट गई। तो खैर कोई बात नहीं, अभी पहली दफ़ा बनाई है ना तो इतनी समझ भी नहीं थी कि इतना पतला नहीं करना चाहिए इसको। तो माशाल्लाह ना वैसे बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की। ये देखें, ये शक्ल से भी आपको अच्छी लग रही होंगी। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ज़रा आप चख के देखें कैसी बनी है। तो अम्मी ने कहा कि हाँ अच्छी बनी है, नमक थोड़ा सा कम है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे कि जो लस्सी हम बना के रखी है ना उसमें नमक थोड़ा सा डाल लेंगे, ज़्यादा तो दोनों में ना ये ताकि मैनेज हो जाए। तो साथ साथ मैं और अम्मी जो है ना वो बातें भी कर रहे थे। और जब हमारी लास्ट रोटी, ये देखें ये मेरी आखिरी रोटी जो बनी थी ना, ये माशाल्लाह सही बन गई थी। बड़ी भी बनी थी और गोल भी बनी थी। ऐसे ही होता है जब इंसान कोई चीज़ पहली दफ़ा बना रहा होता है ना, तो जब वो ख़त्म होने वाला हो आटा, तब आखिरी रोटी बहुत अच्छी बनी है। तो मैं और अम्मी हंस रहे थे, मैंने कहा ये देखें आखिरी रोटी जो है ना वो बहुत अच्छी बनी है, मतलब गोल भी बनी है और परफेक्ट बड़ी बड़ी भी बनी है। एक छोटा लिया गिलास नमक निकला है ना, नमक मिक्स किया, फिर आपने अपनी में भी कर दिया। ये माशाल्लाह से ये रोटी है, आप भी खाओ मैं खाती। प्यारे व्यूज, हाँ जी, देखने वाले भी आ जाएं। देखने वाले भी आ जाएं, आप भी खाना खा लो हमारे साथ, मिस्सी रोटी लस्सी के साथ। हाँ जी, और अब्दुल आह जो है ना वो सिपारा पढ़ने गया हुआ है, तो वैसे वो दोपहर का खाना जो है ना खा कर ही गया है, और ये वाली रोटी उसको अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी, मिस्सी रोटी बनानी, मसाले वाली रोटी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, बहुत मज़े की रोटी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सर्दियों के मौसम में ये हेल्थ के लिए भी अच्छी है, क्योंकि बेसन जो है वो गर्म होता है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, अगर शहर में रहते हैं ना तो आपको गाँव की याद आ जाएगी। तो हम अभी रोटी खाने लगे हैं, आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।